यहाँ पे टाटा की जो H2X है या टाटा की हॉर्नबिल जो आप बोल सकते हैं, H2X मेनली कोड नेम्ड है हॉर्नबिल, होपफुली जो प्रोडक्शन नेम है इंडिया में भी हॉर्नबिल रखा जाएगा। तो टाटा की ये जो छोटी सी मिनी एसयूवी है टाटा नेक्सॉन के बिलो सेट करने वाली है, 70% इसकी जो पार्ट्स है वो अल्ट्रोज के साथ शेयर करने वाली है। और आगे प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलमोस्ट इस कार के ऊपर बहुत सारी बातें कर ली है, तो ऊपर आई बटन में जाइए, उस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत जो नए इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ एकदम प्रोडक्शन रेडी वर्जन ऑफ टाटा की ये हॉर्नबिल हमें दिखते हुए मिल गई है। तो बात करते हैं आज इसकी ग्रिल विल सबकी, एक्सटीरियर इंटीरियर लुक्स के बारे में भी, वो भी स्पाई हो गया है। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में, मैं निर्माण बैनर्जी टर्बो ड्राइव किस नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो पसंद है तो जानने से पहले लाइक का बटन जरूर से दबा देना, नीचे रहकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर शुरू कर देना। चलिए यहाँ पे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेनली टाटा जो H2X है या हॉर्नबिल है, ये मेनली एक जो हैरियर इंस्पायर्ड डिजाइन है वो फॉलो करने वाले, लेकिन ये कुछ एक बिट्स में टाटा नेक्सॉन जो नई वाली अभी निकली है उसके साथ भी काफी हद तक इंस्पायर्ड रहेगा। मेनली नीचे जो ग्रिल है उसमें भी इन्वर्टेड वाई शेप जो है वो आजकल नए नए टाटा के कार्स में दिख रहे हैं वो भी यहां पे रहेगा। तो फैमिली डिजाइन जो है ये शेयर करने वाली है। टाटा की तरह से थोड़ी सी स्कल्प्टेड बोनेट दिखने वाला है, सामने ग्रिल वगैरह भी उसी की तरह थोड़ा सा मस्कुलर ग्रिल जो नई नई टाटा नेक्सॉन वगैरह में आई है वो टाटा की वैसी फैमिली लुक थोड़ी सी ट्रेड लुक फॉलो करेगी। लेकिन यहाँ पे DRL जो है एकदम टॉप पे आईब्रो DRL जो है वो दिए जाएंगे, साइड में DRL के ही साइड में एक छोटा सा इंडिकेटर जो है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर नीचे स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप तो है वो रहेगा, और एकदम नीचे बॉटम पे आपको यहाँ पे फॉग लैम्प मिलने वाला है। पीछे भी जो लुक है वो जैसे ही प्रोडक्शन स्पेक में था वैसा ही ऑलमोस्ट दिख रहा है। रैप अराउंड टेल लैम्प्स रहेगा, छोटा सा टेल लैम्प रहेगा, लेकिन अच्छी ओवरऑल फिनिश के साथ यहाँ पे दिखने वाली है। फिलहाल तो अभी टेल लैम्प LED होगा या नॉर्मल होगा वो पता नहीं लगा है, लेकिन होपफुली ये LED टेल लैम्प ही इस पार्ट पे प्रोवाइड करे। साथ ही साथ जो कैमोफ्लेज्ड एडिशन में ये टेस्ट कार दिखती हुई मिली थी उसमें काफी ज्यादा बॉडी क्लैडिंग थी, यहाँ पे जो SUV अपील है बॉडी क्लैडिंग के थ्रू वो भी यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो ओवरऑल काफी अच्छी SUV अपील ये प्रोवाइड करेगी। डायमेंशन वगैरह आपको स्क्रीन के नीचे आते हुए दिख रहे होंगे, ये कंसेप्ट व्हीकल का डायमेंशन था और होपफुली यही डायमेंशन जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। काफी अच्छी डायमेंशन है, स्विफ्ट वगैरह जितनी भी बी सेगमेंट की हैचबैक्स है उनके साथ अच्छे से शेयर करती है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे इंटीरियर की ओर बढ़ते हैं, तो इंटीरियर भी यहाँ पे काफी सारे फीचर्स और इक्विपमेंट लेवल्स टाटा की अल्ट्रोज के साथ शेयर की जाएगी, 70% उसी के साथ शेयर हो रही है तो शेयर की जाएगी। लेकिन डिजाइन ऑफ द डैशबोर्ड लेआउट, फ्लोटिंग डैशबोर्ड सिस्टम यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है अल्ट्रोज के साथ ये इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर वगैरह भी शेयर करे, स्टीयरिंग व्हील वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये छोड़ के ज्यादा कुछ अल्ट्रोज के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। एक नया इंटीरियर लुक दिया जाएगा, एकदम नया फ्रेश अपील रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि वही सेम टू सेम इंटीरियर है, नहीं, यहाँ पे एक नया फ्रेश इंटीरियर सेटअप आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गियर लीवर्स, AC नॉब्स ये सब हो सकता है, एक हाथ दो फैमिली लुक जो है वो मेंटेन रखे, लेकिन यहाँ पे फिर से टाटा एकदम टू दी ब्रिम इसको अपडेटेड रखेगी, एकदम की इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसमें हार्मन की ऑडियो सिस्टम भी प्रोवाइड की जाएगी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब बाकी डिफरेंट दूसरे टाटास के साथ शेयर किए जाएंगे। तो मेनली जो कि मेनली H2X है वो सेकेंड हाफ ऑफ 2020 जो है अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर तक यहाँ पे लॉन्च होने की पूरी पूरी उम्मीद रखा के बैठे हैं। साथ ही साथ इसकी पूरी की पूरी अनवीलिंग ऑटो एक्सपो में हो जाएगी, तो वो भी मैं कवर करने वाला हूँ क्योंकि मैं ऑटो एक्सपो जा रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं कवर कर दूंगा। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, मेनली इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था, आगे जितनी भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ।